तब हम अपना जैसे ही लीवर ऑन करेंगे और आप लोग देख सकते हैं हमारी बोट जो है वो एक ट्रेन की तरह चलना शुरू हो चुकी हैं और ये रोलर कोस्टर की तरह दोस्तों ऊपर 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 जाती रहेंगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपको दाउ साउ गेमिंग चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कमांड ब्लॉक्स की ट्रिक्स। तो आज का पार्ट जो है दोस्तों वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें जो आज कमांड है वो काफी ज्यादा अलग होने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग यहाँ पे अपना TNT रखते हैं और इसको जलाते हैं, और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसमें कोई मजा नहीं आ रहा, जब ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से फट चुका है। लेकिन अब दोस्तों हम कमांड ब्लॉक की ट्रिक की मदद के साथ इसको एक थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाएंगे ताकि जलते हुए अपने पार्टिकल्स भी शो करे। तो फटाफट से देख लेते हैं इस रियलिस्टिक TNT को बनाने के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा TNT, फ्लिंट एंड स्टील इसको जलाने के लिए, लीवर और हमारा कमांड ब्लॉक। तो फटाफट से यहाँ से ऊपर से चैट ओपन करेंगे और अपना कमांड ब्लॉक ले लेंगे। तो कमांड ब्लॉक लेने के लिए दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसा सा कमांड लिख लेना है, उसके बाद यहाँ से ये वाला बटन दबाएंगे और आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारा कमांड ब्लॉक जो है वो आ चुका है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने जमीन के ऊपर एक कमांड ब्लॉक कुछ इस तरीके से रख लेना है, उसके बाद इसके अंदर आप लोगों ने कमांड सेट करना है अपना कुछ इस तरीके का, और उसके बाद इसका जो ब्लॉक टाइप है दोस्तों इसको आप लोगों ने कर देना है रिपीट पे, और उसके बाद यहाँ पे क्राउच करके इसके ऊपर लीवर लगाना है और इस लीवर को ऑन करेंगे। और अब दोस्तों आप लोग जहाँ पे भी अपना TNT फाड़ेंगे वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। तो यहाँ पे अपना TNT रखते हैं और इसको जलाते हैं, और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे TNT के पार्टिकल्स जो है वो शो होना शुरू हो चुके हैं और ये काफी ज्यादा नेचुरल लगता है। तो एक दफा फिर से ट्राई करते हैं और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये काफी ज्यादा मजेदार लगता है। चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 4 की तरफ। जब भी हम अपना एरो शूट करते हैं और आप लोग देख सकते हैं इसके पीछे कोई भी पार्टिकल नहीं आता, ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से गिर जाता है, आप लोग देख ही सकते हैं। और अब दोस्तों हम कमांड ब्लॉक की मदद के साथ इसको थोड़ा सा रियल बनाएंगे ताकि जहाँ पे भी गिरेगा अपने पीछे पार्टिकल्स फेंकता जाएगा, वो भी आग के। तो फटाफट से दोस्तों देख लेते हैं कि हमारा फायर एरो बो बनाने के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा बो, लीवर और कमांड ब्लॉक। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने जमीन पर दो कमांड ब्लॉक को कुछ इस तरीके से रख लेना है और अपना पहला कमांड ब्लॉक ओपन करना है और इसमें कुछ ऐसा सा कमांड लिख लेना है, और उसके बाद इसका जो ब्लॉक टाइप है इसको कर देना है रिपीट पे, और रेडस्टोन जो है उसको कर देना है ऑलवेज एक्टिव, और उसके बाद बैक का बटन दबाएंगे। और जैसे हम अपना बो हाथ में पकड़ेंगे और आप लोग देख सकते हैं हमारा बो जो है वो Flame 1 के साथ इंचेंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपना दूसरा कमांड ब्लॉक यहाँ पे ओपन करेंगे और इसके अंदर भी दोस्तों आप लोगों ने कुछ ऐसा सा कमांड लिख लेना है, और उसके बाद इसका भी जो ब्लॉक टाइप है इसको आप लोगों ने कर देना है रिपीट पे, और यहाँ से बैक का बटन दबाएंगे, यहाँ पे क्राउच करेंगे और अपने कमांड ब्लॉक के ऊपर एक लीवर लगाएंगे और इस लीवर को ऑन करेंगे, और जैसे ही हम अपना एरो फेंकेंगे और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा एरो जो है हमारे फायर्स के पार्टिकल्स जो है फेंकता हुआ जा रहा है, यानी कि जहाँ पे भी जाएगा दोस्तों ये फायर फेंकता हुआ जाएगा, आप लोग देख ही सकते हैं। चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 3 में दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं एक डायमंड ब्लॉक का डुप्लीकेट ग्लिच, जो कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को दिखा के उनको इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं इस डायमंड ब्लॉक के डुप्लीकेट ग्लिच को बनाने के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए होगा। स्टिकी पिस्टन, एक डायमंड का ब्लॉक, एंड रॉड, लीवर और कमांड ब्लॉक। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, अपनी सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे गेम की ऑप्शन में आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शो कोऑर्डिनेट्स, ये ऑफ है तो इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे, और इसके बाद बैक का बटन दबाएंगे और हमारी यहाँ पे पोजीशंस जो है वो हमें शो होना शुरू हो चुकी हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, रखेंगे हम अपना यहाँ पे एक स्टिकी पिस्टन, उसके आगे लगा देंगे अपनी एंड रॉड। एंड रॉड लगाने के बाद दोस्तों जो एंड रॉड के फ्रंट वाला ब्लॉक है इसको छोड़ के यहाँ पे हम खड़े होंगे, और यहाँ पे हमारी जो ऊपर पोजीशंस हमें शो हो रही हैं इनको हम नोट कर लेंगे। आप लोगों के वर्ल्ड में आप लोगों को कोई और पोजीशन शो होगी, आप लोगों ने अपनी पोजीशन नोट करनी है, हम फटाफट से अपनी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है वो नोट कर लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जहाँ पे खड़े हुए थे जहाँ से हमने पोजीशन नोट की थी वहाँ पे हम रख देंगे अपना एक डायमंड का ब्लॉक, और हमारा यहाँ पे जो स्टिकी पिस्टन है इसके साथ हम करेंगे 2 ब्लॉक्स की खुदाई, और इसके नीचे रख देंगे अपना एक कमांड ब्लॉक और इसके अंदर अपना कमांड सेट करेंगे फटाफट से। तो आप लोगों ने भी कमांड ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसा सा कमांड लिख लेना है,
/setblock, इसके आगे आप लोगों की जो भी पोजीशन थी आप लोगों ने वो लिख लेनी है, उसके बाद डायमंड, नीचे वाली /block 0 destroy, और उसके बाद इसका जो ब्लॉक टाइप है इसको कर देना है रिपीट पे, और यहाँ से बैक का बटन दबाएंगे, और उसके बाद कमांड ब्लॉक को ऊपर से ग्रास ब्लॉक के साथ फिल कर देंगे, और यहाँ पर लगा देंगे अपना एक लीवर, और जैसे हम अपना यहाँ पे लीवर ऑन करेंगे, और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा डायमंड ब्लॉक जो है वो डुप्लीकेट होना शुरू हो चुका है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस डुप्लीकेट ग्लिच के साथ हमारे पास यहाँ पे कितने ज्यादा डायमंड्स के ब्लॉक आ चुके हैं, और इस ट्रिक के साथ दोस्तों आप लोग अपने फ्रेंड्स को काफी इम्प्रेस कर सकते हैं। चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 2 में दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं एक ऑटोमेटिक रोटेटिंग प्लेट, जिसके पास जो भी आएगा वो मारा जाएगा। फटाफट से दोस्तों देख लेते हैं कि इन रोटेटिंग प्लेट्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए होगा। तो हमें चाहिए होगा आर्मर स्टैंड, वुडन प्लैंक, या आप लोग कोई सा भी ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, लीवर, कमांड ब्लॉक और आयरन सोर्ड, या आप लोग कोई से भी सोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रखना है अपना यहाँ पे एक आर्मर स्टैंड, और इसके हाथ में पकड़ा देनी है अपनी कोई से भी सोर्ड, और उसके बाद आप लोगों ने इसको पोज दे देना है कुछ इस तरीके का। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना पीछे लगाएंगे इसके 3 वुडन के प्लैंक्स, और उसके ऊपर एक लगा देंगे एक और ब्लॉक, और इसके ऊपर अपना आर्मर स्टैंड दूसरा रखेंगे कुछ इस साइड पे करके, और इसके हाथ में फिर से अपनी यही वाली सोर्ड पकड़ाएंगे, और यहाँ पे इसको दोबारा से यही वाला पोज दे देंगे। और जी हमने इसको भी यही वाला पोज दे दिया है, नीचे वाला ब्लॉक जो इसको तोड़ देंगे, और इसी तरीके के साथ दोस्तों आप लोगों ने सारे आर्मर स्टैंड को प्लेस करते रहना है, और यहाँ पे प्लेट का सर्कल सा बना लेना है। तो हम भी फटाफट से बना लेते हैं। और जी हाँ दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपने जितने भी आर्मर स्टैंड थे उनको प्लेस कर लिया है, और यहाँ पे हमारी सोर्ड का जो है हमने एक सर्कल सा बना लिया है। आप लोगों ने भी कुछ इसी तरीके से करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने आर्मर स्टैंड के नीचे वाला ब्लॉक छोड़ के उसके नीचे 3 ब्लॉक की खुदाई करके हमने कुछ ऐसे से कमांड ब्लॉक रख देने हैं, और उसके बाद अपना पहला कमांड ब्लॉक ओपन करेंगे और इसमें कुछ ऐसा सा कमांड लिख लेंगे, और उसके बाद जो इसका ब्लॉक टाइप है दोस्तों इसको कर देंगे रिपीट पे, और रेडस्टोन जो है इसको कर देंगे ऑलवेज एक्टिव। और आप लोग देख सकते हैं हमारे आर्मर स्टैंड जो है वो घूमना शुरू हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनको छुपाने के लिए हम यहाँ पे अपना दूसरा कमांड ब्लॉक ओपन करेंगे और इसके अंदर अपना कुछ ऐसा सा कमांड लिख लेंगे, और उसके बाद इसका भी जो ब्लॉक टाइप है इसको रिपीट पे करेंगे, और इसको रेडस्टोन जो है इसको भी कर देंगे ऑलवेज एक्टिव, और उसके बाद यहाँ से बैक का बटन दबाएंगे, और आप लोग देख सकते हैं हमारे आर्मर स्टैंड जो है वो गायब हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे जो ब्लेड्स घूम रहे हैं इनको थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन पे हम लगाएंगे अपना इंस्टेंट डैमेज का इफेक्ट, ताकि जब भी हम इसके पास आए तो हम मारे जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपना तीसरा कमांड ब्लॉक ओपन करेंगे और इसके अंदर कुछ ऐसा सा कमांड लिख लेंगे, और इसके बाद जो इसका ब्लॉक टाइप है इसको कर देंगे रिपीट पे, और जो रेडस्टोन है इसको कर देंगे ऑलवेज एक्टिव, उसके बाद यहाँ से बैक का बटन दबाएंगे, और इसके बाद हमारे यहाँ पे जो घूमती हुई सोर्स है वो बिल्कुल रियल ब्लेड्स की तरह हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी हिस्सा है इसको फटाफट से फिल कर देंगे, और एक दफा सर्वाइवल में आके इसको टेस्ट कर लेते हैं। और हम यहाँ पे सर्वाइवल में आ चुके हैं। अब हम जैसे ही अपनी सोर्ड के पास जाएंगे, और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारी सोर्ड जो थी इन्होंने हमें मार दिया। एक दफा फिर ट्राई कर लेते हैं, और चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 1 की तरफ। हमारा जो ट्रिक नंबर 1 है दोस्तों वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे ट्रिक नंबर 1 को बनाने के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा लीवर और कमांड ब्लॉक। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे 2 कमांड ब्लॉक्स रखेंगे, और अपने पहले कमांड ब्लॉक को ओपन करेंगे और इसमें अपना कमांड लिखेंगे फटाफट से। तो आप लोगों ने भी अपने कमांड ब्लॉक में कुछ ऐसा सा कमांड लिख लेना है। उसके बाद इसका जो ब्लॉक टाइप है इसको कर देंगे रिपीट पे, और यहाँ पे जो रेडस्टोन है इसको कर देंगे ऑलवेज एक्टिव, और बैक का बटन दबाएंगे, और अपना दूसरा कमांड ब्लॉक ओपन करेंगे। दूसरे कमांड ब्लॉक में आप लोगों ने कुछ ऐसा सा कमांड लिख लेना है। उसके बाद इसका भी जो ब्लॉक टाइप है इसको कर देंगे रिपीट पे, और यहाँ से बैक का बटन दबाएंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रखेंगे अपना एक लीवर। तो हम अपना जैसे ही लीवर ऑन करेंगे, और आप लोग देख सकते हैं हमारी बोट जो है वो एक ट्रेन की तरह चलना शुरू हो चुकी है, और ये रोलर कोस्टर की तरह दोस्तों ऊपर 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 जाती रहेंगी। और इसी तरीके के दोस्तों बोट के कमांड जो हैं वो और भी हैं, लेकिन वो अपनी आने वाली नेक्स्ट कमांड ब्लॉग की वीडियो में रखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।